तो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ मेरा ये न्यू GoPro 10 जो कि आया है इस बॉक्स के अंदर। और देख सकते हो कितना बढ़िया सा ये जो बॉक्स है वो लग रहा है, कितने में पड़ा, क्या प्राइसिंग थी, क्या फ्री मिला और बाकी सारे जो चीज़ है वो वीडियो के एंड में हम देखेंगे। बट सबसे पहले हम करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं हमारा जो मेन कैमरा है वो कैसा है। तो ये है गाइज अपने GoPro का बॉक्स और देख सकते हो जो बॉक्स है वो कितना बढ़िया लगता है। सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और बाद में मैं आपको इसके जो फीचर्स वगैरह वो भी बताऊंगा। तो अनबॉक्स करने के लिए यहाँ से बस पील करना पड़ता है, बट मैंने इसको थोड़ा निकाल के देखा था चेक करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर टेप लगाई है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ओपन हो जाता है और ये है इसका केस। तो इसका जो केस है वो एकदम प्रीमियम है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इस केस की और इसमें GoPro इजीली हम रख सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। अब इसको मैं करता हूँ ओपन और दिखाता हूँ आपको भी। जो चैन की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, तो अच्छा केस दिया है जो कि अच्छी बात है। और ये रहा हमारा मेन कैमरा GoPro 10 और ये यहाँ पर इसका चार्जिंग का कॉर्ड और एक दो हमें जो माउंट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बाहर निकालते इसको इस केस से और दिखाता हूँ कि कैसा ये GoPro है। तो फ्रंट में हमें यहाँ पे GoPro की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साइड में भी GoPro 10 की ब्रांडिंग हमें मिल जाती है। दो बटन इसमें, एक यहाँ पे एक बटन है और एक यहाँ पे बटन है, यहाँ से बैटरी का निकलता है। यहाँ पे नीचे हमें जो दो क्लिप्स है वो मिलते हैं जिससे हम माउंट कर सकते हैं इसको ट्राईपॉड में। ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसा ये ऑन करके दिखता है। तो इसको हमें प्रेस करके रखना पड़ता है और ये कुछ ऐसे ऑन हो जाता है। यहाँ पर पहले 10 ब्लैक ऐसा लिख के आता है और ये ऑन हो चुका है, जल्दी से ऑन हो जाता है। और आप देख सकते हो ये मैं दिख रहा हूँ, ये कैमरा दिख रहा है और इसमें दो स्क्रीन होने की वजह से बहुत बढ़िया है। मीन्स व्लॉगिंग करना है तो मैं देख सकता हूँ खुद को, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा है। साथ ही में यूज़ करने के लिए काफ़ी ईजी है, मुझे पता नहीं था कैमरा कैसे यूज़ करना पड़ता है बट आधे घंटे में मैं सीख गया। तो काफ़ी सिंपल है, टच करके रखना है, ऐसे तीन मोड आ जाते हैं, फ़ोटो वीडियो एंड टाइम लैप्स। तो वीडियो में जाना है तो वीडियो में आ गए, स्टैंडर्ड है अभी, इस पर क्लिक करते तो हमें सारे जो मोड्स वगैरह वो फिर यहाँ से देखने को मिलते हैं। जिस भी क्वालिटी में रिकॉर्ड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, बाकी सारे जो मोड्स है वो यहाँ पे इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ से जूम कर सकते हो, फिर यहाँ से टिल्ट अगर ऐसा वगैरह होता है तो फिर यहाँ से सारे जो सेटिंग्स वगैरह है वो आप कर सकते हो। फ़ोटो निकालने के लिए फ़ोटो मोड में जाना है, इस बटन पर सिंगल क्लिक करोगे तो फ़ोटो जो है वो निकल जाती है और फ़ोटो भी अच्छी आती है। और ये हमारी जो फ़ोटो है वो निकल चुकी है, फ़ोटो देखने के लिए स्वाइप अप करना पड़ता है, ऐसे स्वाइप अप कर दिया तो यहाँ पे हमें जो फ़ोटो है वो देखने को मिल जाती है। और भी काफ़ी सारे फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, बट ऑन करने के बाद कुछ ऐसा लगता है, फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं तो आगे से कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, प्लेबैक्स वगैरह। और अगर हम वीडियो मोड में इसको लाते हैं तो हमें हमारा खुद का जो फेस है वो भी देखने को मिल जाता है। तो अब ये वीडियो मोड में है तो आप देख सकते हो मुझे भी। तो काफ़ी बढ़िया कैमरा है और जो क्वालिटी है स्क्रीन की वो काफ़ी बढ़िया, इजीली टच हो जाता है, जो भी रिस्पांस हम देते हैं वो कैच कर लेता है और इजीली हम इसको जो यूज़ वगैरह वो कर सकते हैं। तो ये थे GoPro के कुछ फीचर्स, इसके साथ मैंने और क्या लिया और ये कितने का मुझे मिला ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मुझे मिला 51,500 रुपीज़ में, साथ ही में इसके साथ मुझे जो बैटरी है वो भी मिली है। अब ऑनलाइन में भी मतलब इतनी प्राइस पे आ जाता अगर मैं एक्स्ट्रा बैटरी लेता तो 51,500 में GoPro साथ ही में एक्स्ट्रा बैटरी, तो मुझे तो अच्छी डील मिली। कहाँ से लिया, कहाँ पे दुकान वगैरह नंबर वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही में ऑनलाइन लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगा तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। अब कैमरा लिया तो स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड लेना ही था, तो मेमोरी कार्ड मैंने ये लिया है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफ़ी महंगी मेमोरी कार्ड लगती है, वो रीड राइट जो स्पीड है वो अच्छी रहना चाहिए ताकि अपना जो कैमरा वो सही से एकदम फास्ट चले। तो ये मेमोरी कार्ड, साथ ही में सबसे इम्पॉर्टेंट ये, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो अपने ट्राईपॉड पर ये जो है वो नहीं लगता, क्योंकि इसमें क्लिप्स है, बीच में वो होल नहीं है जैसे हमारे दूसरे इसको रहता है। तो ये क्लिप्स है, ये इसके अंदर क्लिप जाती है और ये हमारे ट्राईपॉड पे लगता है। तो ये 150 रुपये का इत्तू सा, तो थोड़ा महंगा लगा ये मुझे, बाकी तो सब सही है। तो ओवरऑल सारी जो चीज़ है वो मैंने बाय की 53,800 रुपीज़ में, वर्थ इट है। मतलब सारी प्राइस जो है वो मतलब बहुत हाई नहीं कि यार बहुत ही महंगा मिला, ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पे मुझे मिला है। तो नीचे सारी जो लिंक्स वगैरह वो मिल रही होगी, जाके आप वहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो। और अब इससे कुछ शॉर्ट्स लेके देखते कि कैसे इसकी जो क्लियरिटी है वो है। We'll be right back.
तो GoPro से रिकॉर्ड करने के लिए ऐसे मुझे इंटरेस्टिंग सी जो चीज़ है वो तो देखने को नहीं मिली, इसलिए मैंने आपको मेरे जो प्लान्स है वो दिखा दिए। बट आने वाले समय में आपको इस GoPro से काफ़ी सारी जो चीज़ है वो देखने को मिलेगी, जो कंटेंट है वो काफ़ी बढ़िया आने वाला है। तो उसके लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि ये बस सिंपल सा अनबॉक्सिंग वीडियो था, इसको और एक्सटेंड नहीं करते, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।